ट्रांसपोर्टेशन के बाद में हम लोग क्या देखते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद में हम लोग देखते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन। इसको बोलते हैं उत्सर्जन। क्या है, किस तरीके का, रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, रिमूवल ऑफ बस। अब छोटा सा क्या है, जो भी वेस्ट सबस्टांस हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं, लेकिन कहाँ पे, मेटाबॉलिक वेस्ट। सिंपली इसको इस तरीके से अभी मैं बोल सकता हूँ कि आप इसको समझिए कि सेल में हो रहा है। ठीक है, सेल में हो रहा है। तो जब भी अगर किसी तरीके का सेल में जैव प्रक्रम होते हैं, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, तो उससे कुछ बाय प्रोडक्ट जेनरेट होता है, उस बाय प्रोडक्ट को रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, तो ये जरूरी है कि वो बाय प्रोडक्ट रिमूव कर दिया जाए। जैसे कि आप मान के चलिए कि सेलुलर रेस्पिरेशन हुए और वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ, क्या करोगे उस कार्बन डाइऑक्साइड का, सेल क्या करेगा, वेस्ट है, उसको वो रिमूव करेगा। कैसे रिमूव करेगा, सेल सेल टू सर्कुलेटरी सिस्टम, देन टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, देन एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी। इसी तरीके से जब नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, प्रोटीन का एसिमिलेशन होता है, तो उससे नाइट्रोजनस वेस्ट जनरेट होते हैं, वहां पे आपके यूरिक एसिड बनते हैं, उससे यूरिक एसिड भी टॉक्सिक होगा, उसको निकाल देना जरूरी होते हैं। तो एक्सक्रीशन में मुख्य रूप से उसी यूरिक एसिड को निकालने की बात की जाएगी। तो एक्सक्रीशन जो हमें देखना है किसमें, इन ह्यूमन में एक्सक्रीशन किस तरीके से होता है, तो इन ह्यूमन बीइंग देयर इज एक्सक्रेटरी सिस्टम। यहाँ पे क्या है हमारा, एक्सक्रेटरी सिस्टम है, जिसे क्या बोलते हैं, उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र, ये उत्सर्जी तंत्र हो जाते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, देन यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, देन किडनी। वेरी इंपॉर्टेंट, किडनी से क्वेश्चन क्या चीज तरीके का है, तो किडनी का जो क्वेश्चन है वो आपका आ जाता है नेफ्रॉन से, व्हाट इज द यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, वो नेफ्रॉन है। देयर आर मिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन इन ईच किडनी। नाउ एक्सक्रीशन इन प्लांट, प्लांट में एक्सक्रीशन किस तरीके से होते हैं, उस चीज़ को हम लोगों को इसमें देखना है। तो एक प्लांट में एक्सक्रीशन के लिए वैसे तो अगर कहा जाए तो कोई प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम हो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन एक्सक्रीशन का मेथड इसमें पाया जाता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आइदर यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, सभी के सभी एक्सक्रीशन करते ही हैं, प्लांट भी करेंगे। कैसे करेंगे, तो एक्सक्रीशन विद द हेल्प ऑफ लीव्स। ठीक है, ये लीव्स की मदद से एक्सक्रीशन करते हैं। क्या करेंगे लीव्स की मदद से, लीफ फॉल। तो लीफ फॉल जब होते हैं तो लीफ फॉल के साथ में जो भी उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होंगे वो सारे के सारे फॉल कर जाते हैं। तो लीफ फॉल में क्या हो गया, लीव्स के माध्यम से। दूसरा क्या है, बार्क। बार्क क्या बोलते हैं, छाल। तो जो भी प्लांट है जैसे पुराने होते जाते हैं, प्रत्येक साल वो कुछ छाल को निकालते जाते हैं, तो वो छाल बना दिया, तो बार्क के माध्यम से वो सारे के सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज कर देंगे। आप देखते हैं उसके स्टेम से गम्स निकलते हैं, रेजिन्स निकलते हैं, उसके लैटेक्स होते हैं, वो सारे के सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं जो कि प्लांट उसको रिमूव करते चला जाता है थ्रू दी बार्क या स्टेम। इसके बाद में क्या है,
तो एक्सक्रीशन करने का उपाय, तो प्लांट में जो एक्सक्रीशन आप देख रहे हैं, ट्रांसपिरेशन भी एक वे हो सकता है एक्सक्रीशन का। ट्रांसपिरेशन में क्या है, एक्सेस वाटर, तो जो भी एक्सेस वाटर है वो लीफ के माध्यम से वो एक्सपेल्ड आउट कर देता है थ्रू देयर स्टोमाटा। देन क्या देखते हैं, फ्रूट, फ्रूट भी क्या है, फ्रूट क्या है उसका सिंक है, जो कुछ भी उसमें अननेसेसरी है प्लांट के लिए, एक्स्ट्रा है प्लांट के लिए, वो प्लांट क्या करता है, उसको जमा करता है एज अ सिंक इन फ्रूट, फ्रूट में जमा करेगा और वो फल के साथ में उसको एक्सपेल आउट कर देगा। तो भले ही एक्स्ट्रा उसमें कार्बोहाइड्रेट जमा हो गया है तो वो भी उसके लिए अननेसेसरी हो रहा है, तो सिंक में जमा करते चला गया, उसके बाद में वो फल पक गए, नीचे गिर गए, रिमूव हो गए। तो दीज आर द डिफरेंट सेवरल वेज एंड मेथड्स इन प्लांट बाय विच प्लांट एक्सक्रीट आउट। तो ये हो जाते हैं हमारे प्रॉपर लाइफ प्रोसेस, जो कि इस चैप्टर में हम लोगों को सारे के सारे मेन पॉइंट्स को डील करने हैं। आगे हम लोग शुरू करेंगे लाइफ प्रोसेस को इन अ डिस्क्रिप्टिव वे, इन अ डिस्क्रिप्टिव वे बट टू द पॉइंट एंड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द बोर्ड एग्जामिनेशन, चाहे बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, उसके हिसाब से डिवीजन क्लास के तरीके से। थैंक यू।